बिहार में सिंघम के नाम से फेमस आईपीएस शिवदीप लांडे ने अपने जीवन से जुड़ी एक बड़ी बात का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि वह बचपन में अपने पिता की हत्या करना चाहते थे। बता दें कि शिवदीप लांडे ने ये बात अपनी पुस्तक विमेन बिहाइंड द लायन के विमोचन में किया था। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान यह भी बताया कि आज वह अपने जीवन में जो कुछ भी है वो केवल अपनी माँ की वजह से है। इस दौरान शिवदीप लांडे ने अपने पुस्तक के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा इस पुस्तक में उनकी जीवन की संघर्ष के बारे में बताया गया है। शिवदीप लांडे ने बताया कि बचपन में उनके परिवार का माहौल अच्छा नहीं था, जिस वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आता था। बता दें कि लांडे के द्वारा बेहद साफगोई के साथ कबूल किया है कि उनके पिता सरकारी नौकरी करते थे और वह नशे के आदि भी थे। ड्रग के नशे की वजह से परिवार की स्थिति खराब थी। वहीं जब पिता की नौकरी छूट गई तो घर का हालत और भी खराब होता चला गया। मेरे पिता ने नशे की आदत की वजह से जमीन और मेरी माँ के सभी जेवर भी बेच दिए थे। मेरा मन में अपने पिता की हत्या करने का गुस्सा था और इसके लिए मैंने प्रयास भी किया था, लेकिन माँ मुझे और मेरे पिता को हर मुश्किल घड़ी में संभालती रही। बताते चले कि लांडे ने यह भी बताया कि उनकी माँ ने उनके पढ़ने में काफ़ी मदद की, जिसकी वजह से आज मैं आईपीएस बन सका हूँ। शिवदीप लांडे ने इन सभी बातों का जिक्र अपनी पुस्तक में किया है। शिवदीप लांडे की माने तो उनके अनुसार वो बेहद सामान्य परिवार से आते थे। उन्होंने इस किताब में यह भी बताया है कि जब बारिश होती थी तो वे घर के कोने में बारिश में ही बैठ कर पढ़ते थे। वहीं जब धूप होती थी तो धूप में ही घर के कोने में बैठ कर पढ़ते थे। उस समय मेरी माँ ही एक ऐसे इंसान थी जो हमेशा मेरे पीछे खड़ी रहती थी। मुझे उनका हमेशा से सपोर्ट रहा है। अगर आज के समय में मैं आईपीएस बन पाया हूँ तो उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी माँ का है। उनकी प्रेरणा की वजह से ही आज मैं लोगों का सेवा कर पा रहा हूँ। इसके साथ ही शिवदीप लांडे ने यह भी बताया कि उन्हें बिहार के लोगों के द्वारा काफ़ी सम्मान दिया गया है। उन्हें यहाँ के लोग काफ़ी पसंद करते हैं। इसके अलावा उन्हें कई बार फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर भी दिया गया है कि वे अभिनय में अपने करियर की शुरुआत करें, लेकिन वे पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रखा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवदीप लांडे का पूरा नाम शिवदीप वामन राव लांडे है। उनका जन्म महाराष्ट्र के विदर्भ के अकोला जिले में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा बड़ी ही प्रतिकूल परिस्थिति में हासिल की। 2006 में आईपीएस में चयन किए जाने के बाद उन्हें बिहार का कैडर मिला, जिसके बाद उन्होंने खुद की सिंघम, दबंग और रॉकस्टार वाली इमेज बनाई। शिवदीप लांडे जब बिहार में एसटीएफ के एसपी के पद पर तैनात थे तो उनकी पोस्टिंग महाराष्ट्र कैडर के लिए कर दिया गया था, जिसके बाद एक बार फिर वे बिहार में अपना योगदान करने लौट आए हैं और अब वह बिहार के सहरसा रेंज की डीआईजी के रूप में बिहार लौटे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।